दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं गर्ग स्वीट्स, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय से सेवाएं दी हैं दाबाली में। बिल्कुल, दादाजी का नाम साधुराम, श्री साधुराम हलवाई, उनके नाम का ही हम वो कर रहे हैं। भी उन्होंने शुरू से शहर पहले गिदड़वा सके थे, मैं उसके बाद इतने बड़े मुकाम पे पहुंच रहा हूं, उनका सारा आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे कि बर्फ़ी है जो उसमें आपकी क्रिएशंस हैं, आपने प्योर दूध यूज़ किया हुआ है उसमें? बिल्कुल, हम जो बर्फ़ी जो बनाते हैं हम उसमें स्पेशल यही है कि हम कोई चीज़ मिक्स नहीं करते, प्योर दूध अपना जो है उसका दूध का खोआ लगाते हैं यहीं। भी क्वालिटी हमने देनी है फर्स्ट, हमारा मेन मोटिव है क्वालिटी, और हम कोई चीज़ नहीं सोचते, वही क्वालिटी है, वही क्वालिटी बना रहे हैं। तो बहुत जब से मतलब और कहीं की सवाल लगती है, 35 साल तो मेरे नानके ढाबा रही, जो भी मान ने समोसे तो बर्फी मेरे मामे जरूर लेके जाते हैं। मैं तो गुड़गांव रहना, बट मेरा होम टाउन डबल ही है। असी तो जो छोटे होंगे सके, मैं DAV स्कूल पढ़ता सीगा, तो असी जाते हुए एक गुलाब जामुन इतने जरूर रोज़ लेके जाना। बहुत बढ़िया जी, काफ़ी टाइम से जुड़े हैं इनके साथ जी, और ये इनकी कलाकंद है जो काफ़ी फेमस है यहाँ की। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं गर्ग स्वीट्स, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय से सेवाएं दी हैं दाबाली में, और हम देख सकते हैं कि बहुत गालें गाली हैं, बहुत मेहनत करी है, और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि दाबाली में भी हमें ये लग रहा है कि हम किसी बहुत बड़े शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट, एक बढ़िया होटल में आए हुए हैं। सर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है और पहले से सेवाएँ शुरू की और आज एक ब्रांड बन चुके हैं हम लोग? बिल्कुल, दादाजी का नाम साधुराम, श्री साधुराम हलवाई, उनके नाम का ही हम वो कर रहे हैं। भी उन्होंने शुरू से शहर पहले गिदड़वा से के थे, जब यहाँ आए पहले रेड़ी थी छोटी बाजार में, उसके बाद इतने बड़े मुकाम पे पहुँचना, उनका सारा आशीर्वाद है। उन्होंने शुरू से मतलब क्वालिटी पे ध्यान दिया है, और कुछ और कोई चीज़ नहीं देखी। क्या कहना चाहेंगे कि दूध की हम बात कर लें, आप लोगों की बर्फ़ी जो है वो वर्ल्ड क्लास है, बहुत दूर दूर तक जाती है। हम आपका दूसरा काउंटर तो कवर करते रहते थे, आज फर्स्ट टाइम हम आए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बर्फ़ी है जो उसमें आपकी क्रिएशंस है, आपने प्योर दूध यूज़ किया हुआ है उसमें, और वही कारण है कि इन चीज़ों के कारण लोग जो जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम जो बर्फ़ी जो बनाते हैं हम उसमें स्पेशल यही है कि हम कोई चीज़ मिक्स नहीं करते, प्योर दूध अपना जो है उसका दूध का खोआ लगाते हैं यहीं, कोई चीज़ बाहर से नहीं लेते, और हम सोचते हैं भी चीनी भी कम से कम हो, भी आजकल मीठा भी लोग कम खाते हैं, इसलिए मीठे का जो है इसमें मिक्सचर टेक्सचर कम हो। शायद की बात कर लें, गुड़ की बात कर लें, आप लोग नई नई चीज़ें, शुगर फ्री की बात कर लें, नई नई चीज़ें बीच में अटैच करें। जी, हम पहले 3-4 चीज़ें बनाते थे मेन, बर्फ़ी हमारी मशहूर है, जैसे कलाकंद है ब्राउन, वो भी हम ब्राउन बनाते हैं पूरी डार्क, और जैसे गुलाब जामुन है, बेसन पीनी, जो हम मेन मेन बेसिक चीज़ें हैं वो बनाते थे। अभी साल 2 साल से जब मैं आया हूँ इस मतलब बिजनेस में, उसके बाद हमने फैंसी आइटम्स जो भी हैं उसके बाद दोबारा वो किया उसको। आपके पास भी मौके थे बाहर जाने के, आप सिलेटी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आपने यही क्रिएटिव तरीके से होटल को एक नई लुक दे दी, जिसमें आप यहाँ लगता है कि हम लोग फॉरेन के होटल में आए हुए हैं। थैंक यू, बस यही है, अभी हम चाहते हैं अभी शहर वासियों को और आसपास जो भी हैं भी सभी को यहीं जो चीज़ चाहिए यहीं मिल जाए, बाहर ना जाना पड़े। भी क्वालिटी हमने देनी है फर्स्ट, हमारा मेन मोटिव है क्वालिटी, और हम कोई चीज़ नहीं सोचते। अभी हम जुड़ रहे हैं थोड़े कस्टमर, अंकल जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कब से आप आ रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत है। हम तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, जब इनकी रेडी लगती है बाजार में जब से आ रहे हैं, और ये लोग वैसे ही मतलब वही क्वालिटी है,
वही क्वालिटी बना रहे हैं, तो बहुत जब से मतलब और कहीं की सवाल लगती हमें ये चीज़। 35 साल तो मेरे नानके ढाबा ली, जो भी मन ने समोसे तो बर्फी मेरे मामे जरूर लेके जाते हैं। जगराओ रहना लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी बेटा कैसा लगे यहाँ का? राधे राधे कर दे बेटा, राधे राधे कर दे, राधे 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 राधे। नानके तुम गर्मी बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं तो गुड़गांव रहना, बट मेरा होम टाउन डबल ही है। असी तो जो छोटे होंगे सके, मैं DAV स्कूल पढ़ता सगा, तो असी जाते हुए एक गुलाब जामुन इतने जरूर रोज़ लेके जाना। मतलब मैंने तो 30-32 साल हो गए इतने आते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी फेमस है सर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत बढ़िया जी, काफ़ी टाइम से जुड़े हैं इनके साथ जी, और ये इनकी कलाकंद है जो काफ़ी फेमस है यहाँ की। और हमारे रिलेटिव्स हैं और काफ़ी दूर दूर रहते हैं, उनके लिए हम स्पेशल भेजते हैं। उनका फ़ोन आता है भी हमारे लिए भेजो, तो काफ़ी भेजते हैं उनके लिए।